हम समझेंगे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर डिस्कशन कि मैग्नेट क्या होता है। सो आई कॉल आउट द नेम्स, वो आंसर करेगा। प्रगति बताओ, व्हाट्स अ मैग्नेट? ये तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में जा रहे हो तुम कि वो कैसा दिखता है, क्या है, वो नहीं। मैग्नेट का एक छोटा सा लेम एंड डेफिनेशन बताओ कि है क्या, व्हाट्स अ मैग्नेट? मैग्नेट थोड़ी एनर्जी होगा टाइम। अंशिका भट्ट, अंशिका भट्ट, अंशिका कैन यू हियर मी? वुड यू लाइक टू ट्राई कि मैग्नेट क्या होता है? देखो ये म्यूट ही नहीं कर पा रही है। अंशिका, व्हाट इज अ मैग्नेट? ठीक है, चलो एक बात ये हो गई। प्रिया, क्या मैग्नेट क्या होता है? ठीक है, कुछ हद तक सैटिस्फैक्टरी। अभिज्ञान, यस सर। चुंबक क्या होता है? मैग्नेट कभी रिपेल नहीं करेगा किसी अदर सब्सटेंस को। सब्सटेंस नहीं होता, सब्सटेंस होता है। STANCE अगर कहीं खाली लिखा है तो उसको तुम पढ़ोगे स्टांस। बैट्समैन ने अपना स्टांस में अल्टरेशन करा शॉट खेलने के लिए, ठीक है, बट यहाँ जब सब्सटेंस पढ़ते हैं तो उसको सब्सटेंस डांस नहीं करते, ठीक है। इट्स अ वेरी कॉमन एरर दैट वी ऑल मेक। खैर, नैटिव की बात तुमने करी, मेटल्स को अट्रैक्ट करता है, हाँ ये एक नॉर्मल डेफिनेशन। अर्पित मिश्रा, मिश्रा जी ट्राई करें क्या? ठीक है, कुछ हद तक सही है। नाउ इफ द क्वेश्चन कम्स कि हैव यू ऑल सीन अ मैग्नेट, तो हाँ बाहर मैग्नेट देखा होगा अगर घर में कभी प्रोक्योर किया गया होगा, मतलब किसी ने एज अ गिफ्ट आपको दिया होगा, या फिर कभी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस घर में स्पेशली एन ऑडियो वीडियो आउटपुट डिवाइस, जैसे कि आपका टेलीविजन या कोई टेप रिकॉर्डर कभी खराब हुआ होगा, खासतौर से ऑडियो डिवाइस, तो उसके पीछे से ये एक स्पीकर शेप का मैग्नेट बाहर आया होगा। अगर वो चीज कभी तोड़ी होगी किसी ने या रिपेयर में देखा होगा, जितनी भी ऑडियो डिवाइसेस होती सब में होता है, तो उसमें भी मैग्नेट का ही यूज होता है। एंड मैग्नेट इज व्हाट विच अट्रैक्ट्स मेटल्स लाइक आयरन, निकल एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट कोबाल्ट। तो मैग्नेट की यही डेफिनेशन है, वो उसकी नेचुरल टेंडेंसी होती है सब्सटेंस में, कोई अलग से नहीं होता। उसके बाद जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात है, वो तो बाद में आती है। मैग्नेट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि अगर तुम एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ मैग्नेट लोगे तो उसके दो पोल हो जाएंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो वो अलग बात है। बट मैग्नेटिज्म सबको पता है मोर ऑर लेस। कोई ऐसा आदमी तो नहीं ना जो कि द आइडिया ऑफ मैग्नेट, या फिर जिसने कभी आलमारी पे या कहीं लोहे पे मैग्नेट ना चिपकाया हो, ऐसा तो कोई नहीं है, सबने देख रखा है ना मैग्नेट, तो मोर ऑर लेस मैग्नेट सबको पता होगा कि क्या है, ठीक है। अब जो चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो मैग्नेटिक इफेक्ट कौन दे रहा है? द मैग्नेटिक इफेक्ट्स इज बीइंग इफेक्ट्स आर बीइंग डिस्प्लेड बाय व्हाट? द इलेक्ट्रिक करंट। तो अब यहाँ पे जो सबसे पहला आइडिया आता है वो ये आता है कि इलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो हैज दिस टेंडेंसी ऑफ
शोइंग मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म वाला जो प्रॉपर्टी है ये इलेक्ट्रिक करंट भी शो करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में जो पहली चीज हम लोगों को पढ़नी है वो एक्सपेरिमेंट्स और एक्टिविटीज को पढ़ना है जो कि ये बताएंगे कि यस इलेक्ट्रिक करंट हैज अ मैग्नेटिक टेंडेंसी। ठीक है, तो सबसे पहले व्हेन यू ओपन द फर्स्ट पेज ऑफ योर एनसीईआरटी बुक तो आपके सामने ये एक डायग्राम बना, ठीक है, और उसके नीचे फिगर 13.1 कंपास नीडल इज डिफ्लेक्टेड ऑन पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर। नाउ व्हाट्स अ कंपास? ठीक है, कंपास इज नथिंग एल्स बट अ मैग्नेट केपेबल, अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ मैग्नेट केपेबल ऑफ रोटेटिंग, जो कि घूम सकता है एक एक्सिस पे। ठीक है, तो अब ऐसे में मैग्नेट्स के अंदर ये भी टेंडेंसी होती है कि वो ऑन बीइंग फ्रीली सस्पेंडेड किसी स्ट्रिंग से या किसी पाइवट के अबाउट अगर उनको घूमने के लिए छोड़ दिया जाए तो वो अपने आप को अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अलाइन कर देते। सो जो अगर मान लो हमने एक बार मैग्नेट को सस्पेंड करा फ्रीली, तो हम ये देखेंगे कि उसका एंड जो नॉर्थ एंड होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट कर जाए। तो मैग्नेट का जो एंड नॉर्थ डायरेक्शन में, मतलब अगर हम यहां की बात करें तो जो एंड हिमालयस के डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा उसे हम मैग्नेट का नॉर्थ पोल करेंगे कहेंगे, एंड द वन दैट्स पॉइंटिंग आउट टुवर्ड्स द इंडियन ओशन या श्रीलंका की तरफ उसे हम साउथ पोल कहेंगे। ठीक है, तो ये एक बात हुई कि उस वही डायरेक्शन इंडिकेट करने वाला कंपास भी एक हमें इस डायग्राम में दिख रहा है और ये कह रहे हैं कि कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट होती है व्हेनेवर एन इलेक्ट्रिक करंट इज सर्कुलेटेड थ्रू द सर्किट। ठीक है, तो अब मैग्नेटिक नीडल जो है कंपास की उसमें डिफ्लेक्शन क्यों आए? अगर कोई आसपास दूसरी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है अपार्ट फ्रॉम द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड तो डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, बट अगर आ रहा है तो इसका सबसे पहला इंडिकेशन तो यही हुआ ना कि आसपास कोई और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई थी जिस वजह से उसकी नीडल डिफ्लेक्ट। तो फिर ये देखा गया नेक्स्ट चीज की ऐसा तभी हो रहा है जब करंट पास हो रहा है। तो सबसे पहला इंफरेंस जो ड्रॉ किया गया कि इलेक्ट्रिक करंट के पास भी मैग्नेटिज्म होता है वो इसी एक सिंपल सी एक्टिविटी के थ्रू पाया गया। ठीक है, अब जैसा कि देख सकते हैं इट हैज बीन रिटन इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज कि वी सी दैट द नीडल इज डिफ्लेक्टेड। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉपर वायर हैज प्रोड्यूस्ड अ मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, दस वी कैन से दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर लिंक्ड टू ईच अदर। देन व्हाट अबाउट द रिवर्स पॉसिबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट्स? हाँ, इस ये आगे आएगा, इस पे भी ये बोल रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस किया जा सकता है तो क्या मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है? तो हाँ, ऐसा किया जा सकता है, उसी पे हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? स्टडी मैग्नेटिक फील्ड्स एंड सच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स, मतलब कि करंट और मैग्नेट्स के जो एक कंबाइंड इफेक्ट है, मतलब एक की वजह से जो दूसरा जेनरेट हो जाता है उसी के बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। फिर हमारे सामने देखो ये फोटो है हैंस क्रिश्चियन ओयस्टेड की और ये लीडिंग साइंटिस्ट है 19th सेंचुरी के और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझने में, मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म के बीच के रिलेशन को समझने में और उसके बारे में पढ़ाई करने में, उसके बारे में मतलब टू मेक द वर्ल्ड अवेयर, इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो उसके बारे में ही हमें देखना है। खैर, अब आगे चलते टुवर्ड्स द चैप्टर। आई होप इंट्रोडक्शन सबको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले इन्होंने भी इंट्रोड्यूस वही करा जिससे मैंने अपना डिस्कशन स्टार्ट करा था कि मैग्नेट क्या है। ठीक है, तो वी आर फेमिलियर विद द फैक्ट दैट अ कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। अब सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट के ही साथ नहीं, ये जो डायरेक्शन इंडिकेटिंग कंपास होता है इसकी नीडल तब भी डिस्टर्ब होगी जब हम एक बार मैग्नेट के पास इसको लेके आएंगे। ठीक है, अ कंपास नीडल इज इन फैक्ट अ स्मॉल बार मैग्नेट, वो अपने आप में एक स्मॉल बार मैग्नेट होता है। तो उसका डिफ्लेक्शन जो होगा वो तभी होगा जब वो नीडल का मैग्नेटिज्म अपने आप को जो पास में मैग्नेटिक फील्ड है उसके अकॉर्डिंग सेट करने की कोशिश करेगा, इसी से उसमें डिफ्लेक्शन आएगा। अब वो क्यों होता है ये भी हम अभी आगे जाएंगे। द एंड्स ऑफ अ कंपास नीडल पॉइंट अप्रोक्सीमेटली टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस। द एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग और नॉर्थ पोल एंड द अदर एंड दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स द साउथ इज कॉल्ड साउथ सीकिंग और साउथ पोल। द वर्ड सीकिंग हियर स्टैंड्स फॉर जो ढूंढ रहा है। ठीक है, हाइड एंड सीक से सीकिंग आया।
through various activities we have observed that light poles repel while unlike poles of a magnet attract each other. अब यहाँ पे second concept आता है magnets के बारे में कि अगर magnet में दो pole है, there are two poles in a magnet, north and south, तो जो same poles होंगे, अगर हम दो magnets के साथ एक analysis करें, तो अगर हम दो north pole को आसपास ले आएंगे, so वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे. क्यों? क्योंकि वो लाइट पोल्स हैं. और अगर हम एक नॉर्थ और एक साउथ को आसपास ले आते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. अनलाइट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ये मैग्नेटिज्म का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है. ठीक है, अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, इंटेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट. अब कंपास नीडल का नॉर्थ और बार मैग्नेट का नॉर्थ अगर आसपास है तो कंपास नीडल उससे दूर जाएगी ड्यू टू द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन लाइट पोल्स. ठीक है, और अगर साउथ पोल नॉर्थ के पास आ रहा है तो वो जो कंपास नीडल है वो साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगी, तो उस केस में भी कंपास नीडल डिफ्लेक्ट होगी. सो ये बात समझ में आ गई सबको, आई होप. ठीक है, अब इसके बाद एक ये एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी है, अगर कभी स्कूल खुला तो ये तुम लोगों को सामने करके दिखा देंगे. अब ये जो आयरन फिलिंग्स है, मतलब अगर कभी तुमने आयरन की ग्राइंडिंग देखी, लोहे को कटते हुए देखा हो, तो व्हेनेवर अ ब्लेड कट्स थ्रू आयरन आयरन ऑब्जेक्ट, तो उसमें भी बहुत महीन सा पाउडर निकलता है. जैसे लकड़ी जब कटती तो उसका बुरादा निकलता है, इन द सेम वे आयरन के भी ऐसे महीन पार्टिकल्स निकलते हैं. तो इनका यूज ऑफन एक्सपेरिमेंटेशन और बाकी चीजों में होता है. तो इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने किया क्या कि दे सिंपली केप्ट अ बार मैग्नेट ऑन अ व्हाइट पेपर और उसके ऊपर इन्होंने आयरन फिलिंग्स का स्प्रिंकलिंग कर दिया, जैसे नमक डाला जाता है ओवर अ डिश, या सपोज यू हैव कट अ क्यूकम्बर या वाटरमेलन, तो उसके ऊपर जैसे आप नमक स्प्रिंकल करते हैं, इसी तरह से इन्होंने इसके ऊपर आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल करा, तो देखा कि वो कुछ एक पर्टिकुलर फॉर्म में अरेंज हो जा रहे. ठीक है, तो इस और ये जो अरेंजमेंट हो रहा है ये मैग्नेट के थोड़े आसपास के हिस्से में हो रहा है, बहुत दूर तक नहीं जा रहा. ठीक है, तो ये द आयरन फिलिंग्स अरेंज देमसेल्व्स इन अ पैटर्न एज शोन, ये फिगर में जो दिख रहा है आपको. ठीक है, व्हाई डू आयरन फिलिंग्स अरेंज इन सच अ पैटर्न, व्हाट डज दिस पैटर्न डेमोंस्ट्रेट. तो इसका सीधा सा मतलब तो यही ना कि द मैग्नेट एक्सर्ट्स इट्स इन्फ्लुएंस इन द रीजन. भाई जाहिर सी बात है मैग्नेट के इन्फ्लुएंस ही इनका अरेंजमेंट हुआ होगा. देयरफॉर द आयरन फिलिंग्स एक्सपीरियंस अ फोर्स. कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स. द फोर्स दस एक्सर्टेड मेक्स द आयरन फिलिंग्स टू अरेंज देमसेल्व्स इन अ पैटर्न. द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड इज सेड टू हैव मैग्नेटिक फील्ड. तो इसको सब लोग अंडरलाइन कर लेंगे, ये एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन. ठीक है, दिस हाईलाइटेड पोर्शन इफ यू ऑल कैन सी इट ऑन द स्क्रीन, तो इसको अपने बुक में सब लोग अंडरलाइन कर लीजिए या कहीं इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ अ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो अब द लाइंस अलोंग विच, अब अगर इस फिगर को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे सब लोग, फिगर 13.2 को, तो देखेंगे कि ये सॉर्ट ऑफ जो ये आयरन फिलिंग से एक तरह से लाइन बना है. ठीक है, तो यही है, द लाइन्स अलॉन्ग विच द आयरन फिलिंग्स अलाइन देमसेल्व्स रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स. अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि सपोज कैन यू ऑल सी द बोर्ड, इफ यू हैव अ मैग्नेट जिसका कि एक सपोज ये नॉर्थ पोल है एंड दिस वन इज द साउथ पोल, तो इसके जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस तरह से अपने आप को अलाइन कर. ठीक है, इसी तरह से नीचे भी होगा. अभी आगे इनके बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी हमें समझना है. ठीक है, अब ये लाइन्स कहीं इधर जा रही है, जिनका सर्कल बड़ा है हम उनको नहीं दिखा सकते इस बोर्ड पे, तो कुछ इस तरह से इसका डायग्राम होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स. ठीक है, अब ये नॉर्थ से साउथ की तरफ आपको देखनी, तो जो आयरन फिलिंग्स का डायग्राम है वो भी मोर और लेस इसी तरह है, वो इनफैक्ट इससे बेटर है, मेरी ड्रॉइंग बहुत ही खराब है. तो इन्हीं लाइंस को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. इन लाइंस पे ही फोर्स ज्यादा होता है मैग्नेटिज्म का, और वो इन्हीं की वजह से होता है. ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने फिर से एक्टिविटी बताई है, स्मॉल कंपास बार मैग्नेट, देखिए इन्होंने क्या बताया. अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ही बारे में बता रखा है. सो मोर और लेस इट्स द डिस्कशन
इसी पे हम लोगों ने सारी बात करी कि मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होगी और फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स होगी, इतना हमें पता लग गया, राइट? डिड एवरीबॉडी गेट इट? सर सर ये दो बार किसने किया? प्रगति सर, दीज आर द मैग्नेटिक वेव्स आल्सो ना? नहीं, वेव इज अ डिफरेंट थिंग. साइंस के कॉन्सेप्ट में बात करोगे तो वेव एक बहुत ही अलग चीज है. मैग्नेटिक वेव्स नहीं कहेंगे इनको, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स ही कहेंगे. इनफैक्ट जो आप लोग डेली अपना ज्योतिषीय राशिफल सुनते हैं, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी द सब्जेक्ट, उसकी जो बेसिस है उस वो एक वैदिक साइंस है, तो उसकी बेसिस इसी पे है पूरी तरह से कि जो मैग्नेटिज्म है प्लैनेट्स में और हेवनली बॉडीज में विच आर अराउंड द अर्थ, तो वो सब मूव कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट जो हमारे ऊपर पड़ता है वही उसी का साइंस एस्ट्रोलॉजी. तो अगले मतलब एक ये जो डिस्कशन मैंने स्टार्ट करा एस्ट्रोलॉजी पे, उसका मेरा यही बताने का मतलब था कि उसके पीछे भी जो उसकी बेसिस है साइंस की वो मैग्नेटिज्म ही. बस यहाँ पे हम छोटे छोटे मैग्नेट्स की बात कर रहे हैं, वहां पे प्लैनेट एज बिग एज जुपिटर एंड सैटर्न उनके मैग्नेटिज्म की बात है, ठीक है? तो यहां तक सबको समझ में आ गया? श्रेया पटेल, श्रेया या तो पड़ोस में ही बात कर लो. उठ के मारो, खींच के उसको वहीं पे खून उन निकल आए. सबसे घुटना रख दो सीने पे और खूब घूसा ही घूसा चेहरे पे मारो जब तक दांत वाद ना टेढ़ा हो. दो तीन लोग लग जाए छुआ लेने, ऐसी मार मारो कि लाइफ लॉन्ग याद है, कभी नहीं डिस्टर्ब करेगा, बिलीव मी. खैर नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना, और एज दे से द टीचर इज प्रोपोगेटिंग वायलेंस इन द स्टूडेंट, द टीचर इज ट्राइंग टू मेक देम वायलेंट, नहीं ऐसा बिल्कुल मत करना, प्यार से समझाओ उसे. प्लीज आस्क देम नॉट टू डिस्टर्ब यू. ठीक है, तो ये बात हो रही थी मैग्नेटिज्म पे, एस्ट्रोलॉजी पे. फिर व्हाट वाज द नेक्स्ट थिंग आई वाज गोइंग टू से, हाँ इतनी बातें समझ में आ गई. प्रगति ने क्वेश्चन पूछा वेव्स के बारे में, नहीं है. हाँ अब आगे चलते, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में एक बात और है, इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने यही कंक्लूड करा, ठीक है. अब लाइंस जिस एरिया में जितनी क्लोज होगी, जैसा कि फिगर 13.4 में देख पा रहे हो, वहीं पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है. तो अगर एक बार मैग्नेट की बात करेंगे तो द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रांगेस्ट अराउंड द पोल्स, और पोल से जितनी दूर जाएंगे आप उतनी ही कम हो जाएगी वो मैग्नेटिक फील्ड. एक बात तो ये हो गई, ठीक है. और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स होती है ये इमर्ज होगी एक पोल से और दूसरे पे जाएंगी, तो वो कौन सा होता है, ठीक है, फील्ड लाइंस एमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल, ठीक है. ये नॉर्थ पोल से चल के ये जाएंगी किधर, साउथ पोल. इसी का भाई का लड़का हो गया, बहुत खतरनाक हो गया. हेलो की चल रही है आसपास के, कूलर कूलर है कि क्या है, ये पूरे मोहल्ले कूल करता है क्या, नीचे जाओ भाई. दिस कूलर ऑल्सो इसका जो एग्जॉस्ट है कि अंत में घूम रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ मैग्नेटिज्म ओनली. तुम अपने आसपास जितनी भी चीजें देखते हो जो रोटेट कर रही है, फैन, एयर कंडीशनर, कूलर, जिसमें भी पंखा लगा, एनीथिंग दैट यू सी इज रोटेटिंग, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मैग्नेटिज्म. और ये जो करंट और मैग्नेटिज्म के बीच का रिलेशन है, मतलब थैंक ऑल दो साइंटिस्ट की, उनकी वजह से आज ये मशीन्स डेवलप है इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म के बीच. अब जो इसका लेटेस्ट है मैग्नेटिज्म का कह दो फायदा, तो मैग्लेव ट्रेन के बारे में सुन रखा होगा सब, ठीक है. ये बहुत ही फास्ट मूविंग ट्रेन्स हैं और आगे चल के पॉड्स भी आने वाले हैं जिसको हाइपर लूप का नाम दिया गया, तो उसमें भी जो ट्रैवल है उसके पीछे भी मैग्नेटिज्म ही है. उनका कहना है कि जो रेल ट्रैक्स हैं उनको एक पोल बना दिया, और जो रेल के व्हील्स हैं उनको भी मैग्नेट का एक पोल बना दिया, तो अगर सेम पोल रहेगा तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे
और फिर वो ट्रेन एक तरह से हवा में मूव करेगा, एलिमिनेटिंग फ्रिक्शन टू द हाईएस्ट एक्सटेंट, ठीक है। और हाइपरलूप का भी मोर ऑर लेस यही कॉन्सेप्ट है कि वो बॉल के फॉर्म में उसमें से जाता रहेगा खूब जोर से, क्योंकि अगर आप किसी रोड पे चल रहे या दो सर्फेसिस के कॉन्टैक्ट पे चल रहे तो फ्रिक्शन होगा ही, इट्स गोइंग टू रिड्यूस द एफिशिएंसी एंड पावर और हीट भी जनरेट होगा। बट ये जो मैग्नेट ट्रेन का कॉन्सेप्ट है ये भी मैग्नेट्स की इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है कि लाइक पोल्स ऑफ अ मैग्नेट रिपेल ईच अदर, ठीक है। Then let's move on. वो पोल का इलेक्ट्रिसिटी से ही होता है, मतलब अगर सपोज मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिक करंट से प्रोड्यूस हो रहा है तो जो भी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा होंगे तो उसके भी दो पोल्स, ठीक है। अब एग्जैक्ट तो उसका कॉन्सेप्ट हमें नहीं पता, बट एट सर्टेन पॉइंट्स कह सकते हैं कि वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे दे आर एबल टू प्रोड्यूस लाइक पोल्स, वो मूव भी तो कर रही है ना, तो मतलब वो कंटिन्यूस रिपल्शन होनी चाहिए, ठीक है। रिपल्शन भी चाहिए, अट्रैक्शन भी चाहिए। रिपल्शन के ही कारण वो हवा में रह पा रही है, और अट्रैक्शन नहीं होगा तो वो आगे मूव क्यों करेगी, ठीक है। या तो स्लो हो तब तो वो जाएगी, लेकिन अगर आगे मूव कर रही तो मतलब देयर मस्ट बी सम फोर्स दैट इज पुलिंग इट टुवर्ड्स द फ्रंट, तो वो दोनों का ही यूज होगा, सिर्फ एक पोल की बात नहीं है, क्योंकि जहां भी एग्जिस्ट करेगा मैग्नेटिज्म उसके दोनों पोल्स एग्जिस्ट करेंगे, एक नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉर्थ। नाउ अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि जब हमने पढ़ रखा है कि जो अर्थ का नॉर्थ पोल है और साउथ पोल, तो मतलब नॉर्थ अगर हम मान लें उसको रशिया, ठीक है, और साउथ हम मान लें एंटार्क्टिका, ये बात सब मानेंगे। सपोज बोर्ड दिख रहा है, ये अगर अर्थ है, ठीक, तो यहां पे कहीं पे नॉर्थ पोल है और अर्थ की एक्सिस टिल्टेड है, और यहां पे कहीं पे हम कहते हैं साउथ पोल, ठीक है, और यहां पे कहीं पे रशिया हमें दिखता है इस पोर्शन में कहीं, और यहां पे छोटा सा व्हाइट कलर का हमें एंटार्क्टिका दिखता है, राइट, ऐसे ही दिखता है कुछ सबको मैप में। और ये हम कैसे कहते हैं कि रशिया इज टुवर्ड्स द नॉर्थ, अगर हम इंडिया, हमारा सपोज इफ दिस इज द इक्वेटर, यहाँ कहीं पे इंडिया है, तो इंडिया में अगर हम बार मैग्नेट सस्पेंड करते हैं तो जो डायरेक्शन इधर पॉइंट करता है टुवर्ड्स रशिया हम कहते हैं वो मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ठीक है। नाउ देयर आर टू नॉर्थ्स एक्चुअली, एक है मैग्नेटिक नॉर्थ और दूसरा भी एक नॉर्थ है, एंड दैट इज कॉल्ड ज्योग्राफिक नॉर्थ। दोनों में डिफरेंस है, जो रशिया की तरफ हम लोगों ने पढ़ रखा है कि रशिया इज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दैट इज एक्चुअली साउथ। अब ये समझ लो कि आज तक जो पढ़ रखा था पूरा गलत पहुंचा, तो हिमालयाज एक्चुअल में साउथ में, हिमालयाज जो है अगर मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट से चले तो हिमालयाज आर एक्चुअली मतलब इन द सदर्न डायरेक्शन एज पर द अर्थ मैग्नेटिज्म। अब ये कैसे है, लाइक पोल्स ऑफ अ मैग्नेट रिपेल ईच अदर, ठीक है। तो अब अगर हम एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दें और वो उसका नॉर्थ एंड हम कह रहे हैं कि वो हिमालयाज के तरफ पॉइंट कर रहा है, तो वो बार मैग्नेट का नॉर्थ है बट वो अर्थ के मैग्नेटिज्म का साउथ है, क्योंकि अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो जो मैग्नेट का नॉर्थ है वो अर्थ के साउथ के हिसाब से अलाइन होगा, और जो मैग्नेट का साउथ है वो अर्थ के नॉर्थ के हिसाब से अलाइन होगा। जबकि हम नॉर्थ डायरेक्शन किसको ज्योग्राफी में मानते हैं, जो मैग्नेट का नॉर्थ जिधर पॉइंट कर रहा होता है उसको हम नॉर्थ मान लेते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही सबको, बड़ा अस्टॉनिशिंग सा फैक्ट है ये, एक्चुअल में जो साउथ पोल है वो अर्थ के मैग्नेटिज्म के हिसाब से नॉर्थ है, और जो हम नॉर्थ पोल देख रहे हैं अब अलास्का या रशिया, वो एक्चुअल में अर्थ के मैग्नेटिक पोल के हिसाब से साउथ है। तो जो ज्योग्राफिक नॉर्थ है, जैसे हिमालय को अगर हम नॉर्थ में कहते हैं इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, सो दैट्स द ज्योग्राफिक नॉर्थ, बट इट्स एक्चुअली द मैग्नेटिक साउथ।
और सिमिलरली श्रीलंका और इंडियन ओशन को अगर हम कहते हैं कि ये सदर्न इंडिया में है तो दैट इज द ज्योग्राफिक साउथ बट इट्स द मैग्नेटिक नॉर्थ। श्रेया तुम बात ही कर लो, फिर किसी से कुछ डिस्कशन कर रही हूं। तुमको बता रहे वही सोल्यूशन बचा है, आज एक आदमी कम हो जाए तभी अब छुटकारा मिलेगा। किचन से जाओ मैगी खाने वाला फोर कोट लेके आओ, एक सीधा कान वान में कहीं मार दो, चला जाए। चलो ठीक है, या फिर गमला उमला लेके आओ उसी से सर एकदम क्रश कर, जैसे सावधान इंडिया तो ब्रूटल मर्डर्स दिखाते हैं उस तरह से। खैर कमिंग बैक टू द पॉइंट, ऐसा बिल्कुल मत करना, प्लीज इग्नोर माय वर्ड्स। हाँ स्वस्ति, व्हाट वर यू सेइंग? ठीक, तो ये है मैग्नेटिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक नॉर्थ का एक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने तुम लोगों को दिया। और मैग्नेट्स के बारे में जो उनकी प्रॉपर्टी है, स्पेशली द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स, तो ये जो पैराग्राफ है तुम्हारा जो इस समय मैंने हाईलाइट करा, इट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा तो यू आर श्योरली गोइंग टू गेट 1 or 2 marks फ्रॉम दिस पैराग्राफ अलोन। तो इसमें बात किसकी किसकी की है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच अ नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडेड मूव्स इनसाइड इट। ठीक है, और जो लाइन्स है ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, मतलब दे ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयस एंड मूव टूवर्ड्स द इंडियन ओशन, ये बात सब लोग याद रखें। ठीक है, और रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइन्स। तो अब अगर फील्ड लाइन्स अब एग्जैक्ट कैसे पता करेंगे तो उसके लिए फिर हमारे पास यही ऑप्शन है जो आयरन फिलिंग्स वाला। अब ये आयरन फिलिंग्स की जो लाइन बनेगी ये जितनी आपस में क्लोज होगी हम कहेंगे मैग्नेट उतना ही ज्यादा क्या है, स्ट्रांग है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स जो होती है इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि दो लाइन्स एक दूसरे को कहीं पर काटेंगे, मतलब एक ही मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स होगी वो किसी भी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती, ये इनकी प्रॉपर्टी। तो इसको भी सब लोग याद रखेंगे, गॉट इट? ये बात समझ में आ गई? ठीक है, यही यही लाइन इन्होंने बता रखा है कि नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। इसका तुम्हें कोई ना कोई क्वेश्चन बना के अगर बनाने वाला होगा तो वो रीजन असर्शन में इससे जुड़ा एक नया क्वेश्चन बना देगा, क्योंकि यहां पे ही स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते। ठीक है, If they did, it would mean that at the point of intersection, the compass needle would point towards two directions, which is not possible. बात तो सही है। खैर, यहाँ तक बात हो गई। अब magnetic field due to a current carrying conductor, ये हम लोग next class से start करेंगे। It's already 11:48. तो अब आज के लिए homework क्या हो जाएगा आपको? You have to solve this in-text question या write the answer of this in-text question और थोड़ा सा starting का जो notes है खासतौर से इस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन सब लोग लिखेंगे। सो इज इट क्लियर? यस।